वेलकम दोस्तों, मैं आ चुका हूं अर्पुण, और ये है मेरा चैनल गेम आर्यन, जहां पे हम गेमिंग करते हैं, रिव्यूज करते हैं और आर्ट बनाते हैं। तो आज मैं फिर से एक बार एक रिव्यू और लेके आ चुका हूं, जो कि है यस अवतार का टीजर। अभी देखते हैं टीजर कैसा है, कैसा बना है। ये एक कंप्लीटली नॉस्टैल्जिक फिल्म होने वाला है हम लोगों के लिए, क्योंकि 14 साल के बाद, 14 साल के बाद अवतार फिर से स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीन पे आएगा। और सो 15 ईयर बैक हम लोग, जो कि हम अभी 30 पे हैं, वो 15 या 16 साल के होंगे दैट टाइम। तो रियली स्कूल लाइफ में थे, तो स्कूल लाइफ का मेमोरीज रीबिल्ड होने वाला है, कंप्लीट एक्साइटमेंट है। और इस पिक्चर को भी हम लोग जस्टिस देंगे, श्योरली देंगे। और फिर से रिकॉर्ड बनाने के लिए जेम्स कैमरॉन भाई साहब उतर चुके हैं मैदान पे। तो चलिए टीजर देखते हैं। वाह, कितना प्रोमिनेंट है, वीएफएक्स का भरपूर इस्तेमाल किया गया। ओके, सो क्या ट्रेलर था, बढ़िया ट्रेलर था। मतलब बार बार ट्रेलर क्यों बोलते हो, मतलब टीजर, हाँ टीजर था, बहुत ही अच्छा टीजर था। मतलब टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेड हो चुका है, और इसके साथ साथ विजुअल्स भी बहुत ही तगड़ा होने वाला है इस मूवी का। मतलब कि वहाँ सोच लो तुम, 14 साल के बाद आ रहा है, 14 साल से क्या ही बना रहे होगे ये कैमरन साहब। और क्लैप टू वेटा डिजिटल, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि मेन जो वीएफएक्स का काम अवतार का होता है वो वेटा का है, वेटा न्यूजीलैंड में है। मैं वीएफएक्स आर्टिस्ट हूँ, मैं वीएफएक्स बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए ये सब चीज़ें बहुत मायने रखता है, ये सब पॉइंट्स बहुत मायने रखता है। तो वेटा इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वीएफएक्स प्रोडक्शन इन आवर इंडस्ट्री, एंड अवतार भी वेटा ने ही किया था। और अवतार और इसके बाद भी अगले जो इंस्टॉलमेंट्स आने वाला है वो भी वेटा ही करेंगे, ऐसा सुनने को आ रहा है कि कैमरॉन साहब मतलब 1 साल के गैपिंग में और भी 2 इंस्टॉलमेंट अवतार का लाने वाला है। जैसे कि ये अवतार 2 है, तो उसके बाद 1 साल का गैप के बाद, यानी कि 2023 में नहीं, 2024 में अवतार 3 शायद देखने को मिलेगा, और 2026 में अवतार 4 भी देखने को हम लोगों को मिल सकता है। बट ये एक थ्योरी है, कंप्लीटली पता नहीं है कि कैमरन साहब क्या प्लान कर रहे हैं। और कैमरन साहब है भाई, जिसने टाइटैनिक दिया है, अवतार दिया है, मतलब कि वर्ल्ड का बेस्ट मूवी इस भाई साहब के पास ही है। बीच में एवेंजर्स घुस गया था, लेकिन कैमरन साहब ने फिर से अवतार को नंबर 1 पे लाके खड़ा कर दिया है। और ये भाई साहब एस्टिमेटेड तो
अप्रोक्सीमेटली मुझे ठीक से पता नहीं है, पर अगर INR में अवतार का कलेक्शन हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कुछ 2000, नहीं सॉरी 22,000 करोड़ के आसपास होगा। और इसका एस्टिमेशन मतलब वे ऑफ वाटर का, वे ऑफ वाटर राइट, हाँ वे ऑफ वाटर का एस्टिमेशन 55,000 तक भी हो सकता है। तो टीजर बढ़िया लगा, ट्रेलर के लिए इंतजार है, ट्रेलर के लिए बैठेंगे, वेट करेंगे ट्रेलर कब तक आएगा, देखते हैं। ट्रेलर भी धमाकेदार होगा, ग्राफिक्स तो बढ़िया मतलब ड्रॉइंग है। चलो वेट करते हैं हम लोग, तुम्हारे साथ भी, तुम लोगों के साथ भी, और इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए थोड़ा लाइक, थोड़ा सब्सक्राइब, थोड़ा कमेंट वमेंट कर दिया करो यार, वैसे वैसे तो नहीं मिलने वाले। ऐसे 2-3 महीने से चैनल खोल के बैठा हूँ, ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं। थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो दोस्त, कर दिया करो, अच्छा लगता है। मतलब क्रोमा वोमा लगाया है, पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाया है, तो देखो भाई बंदा मेहनत कर रहा है, भाई बंदा मेहनत कर रहा है। थोड़ा व्यूज, थोड़ा लाइक शेयर भी कर दो तो अच्छा लगता है। यूट्यूब वाले को भी थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत तो पैसा मिलना चाहिए ना अपने को भी। हाँ कर दो भाई, कर दो, चलो मिलते हैं, ठीक, बाय बाय।